नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक मराठा यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बताएंगे कि आप अपने खुद के फ़ोटो का व्हाट्सअप स्टिकर कैसे बना सकते हो और कैसे भेज सकते हो। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप खुद का स्टिकर बना सकते हो, खुद के फ़ोटो में से उसको स्टिकर बना के किसी को भी व्हाट्सअप से भेज सकते हो। अगर आप व्हाट्सअप यूज़ करते हो तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही काम आ सकती है। तो दोस्तों, चलो देखते हैं कौन सा ऐप से उसको कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है और क्या क्या सेटिंग करनी है। दोस्तों, उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसके लिए आपको एक काम करना है। अगर ये ट्रिक आपको सीखनी है तो आपको यहाँ पे मेरे वीडियो के नीचे जो रेड कलर बटन दिख रहा है इसको दबा के सब्सक्राइब करना है। साथ में ये जो बेल आइकन है उसको भी दबाना है और ऑल पर सेट करना है। दूसरी चीज़, ये लाइक बटन है उसको दबा के ब्लैक से ब्लू करना है और नीचे कमेंट बॉक्स में जाके यहाँ पर आपको कमेंट करनी है, यहाँ पे नाइस वीडियो या नाइस वीडियो, ऑसम वीडियो, ऐसा कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो कमेंट आप यहाँ से कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा ऐप है और उसको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो चलो चलते हैं डायरेक्टली ऐप पे। ये जो sticker.ly जो दिख रहा है ये ऐप है, इसको जैसे आप डाउनलोड करोगे ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर में भी मिलेगा, या तो फिर आपको इसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो प्लस आइकॉन दिख रहा है उसको क्लिक करना है, कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे पैक नेम में आपको कुछ नाम डालना है, जैसे मैं डालता हूँ टेक मराठा। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ निक नेम डालता हूँ क्रिएटर का और यहाँ पर उसको क्रिएट करते हैं। ओके, अब यहाँ से जो एड स्टिकर दिख रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ परमिशन पूछेगा, यहाँ पे आपको ऑल आउट करना पड़ेगा। नीचे ऐड फोटो और सर्च गिफ्ट आ रहा है तो आपको ऐड फोटो पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड फोटो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फ़ोटो और ये दोनों में से पूछेगा, तो आप एक सिलेक्ट कर लो गैलरी, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लो और कोई भी एक फ़ोटो, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ये जो नीचे ऑप्शन दिख रहे तीन, ऐटो, मैनुअल और क्रॉप, तो ऐटो पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ऐटो पे क्लिक करोगे तो इस तरह से वो पूरा निकल जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अगर कुछ लग रहा है कि कुछ बचा है तो ये जैसे ये साइड में कुछ बचा हुआ है तो उसको आप मैनुअली एडजस्ट भी कर सकते हैं। एडजस्ट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे जाना है और आप देख सकते हैं एडजस्ट पे ये जो लग रहा है उसको आप यहाँ से साफ कर सकते हो। आप देख रहे हैं यहाँ पर जूम में आपको शो हो रहा होगा ऊपर, तो ये इस तरह से आप इसको क्लीन भी कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, ये हो गया क्लीन। अभी अप्लाई करेंगे और इसको डायरेक्टली सेव कर देंगे। जैसे सेव करेंगे तो देखिए सेव हो गया। ऐड स्टिकर पे जाना है, फिर एक फ़ोटो सिलेक्ट करना है, जैसे मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँ, फिर उधर ही चलता हूँ और ये कोई भी फ़ोटो लेता हूँ, जैसे कि ये, इसको मैं करता हूँ ऐटो, ये हो गया ऐटो, इसको मैं सेव करता हूँ। कम से कम आपको तीन फ़ोटोज़ को सेव करना है, उसके बाद में आप ऐड कर पाओगे वहाँ पे व्हाट्सअप पे। तो यहाँ पे मैं तीसरा फ़ोटो सिलेक्ट करूँ, कोई भी एक फ़ोटो सिलेक्ट करता हूँ, वैसा कुछ नहीं है। चलो मैं किसको ले लूँ, चलो इसको पीछे करता हूँ, मैं अपना ही एक फ़ोटो ले लेता हूँ, इसको मैंने किया था, इसको कट करता हूँ, नहीं इसको नहीं किया था, चलो इसको ही लेता हूँ। तो लास्ट वाला फ़ोटो जो है मैं इसको लेता हूँ, इसमें भी थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा तो मैं चलो दूसरा लेता हूँ। कोई बात नहीं, कोई भी ले सकते हैं आप, यहाँ से पिक्सआर्ट से भी ले सकता हूँ। पिक्सआर्ट में मेरा अच्छा खासा फ़ोटो कोई नहीं है तो मुझे तीन फ़ोटो तो करने ही पड़ेंगे कैसे भी करके। चलो मैं इसको लेता हूँ, इसको करता हूँ स्किप, इसको बैक करता हूँ, इसको ऐटो करता हूँ, चलो हो गया, इसको करता हूँ सेव। अभी हो गए तीन, अभी इसको नॉट नाउ करता हूँ, बाद में दे दूँगा। और एक आप चीज़ कर सकते हो इसमें, आप टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो। अभी चलो मैं आपको एक दिखाता हूँ फिर से। चलो अगर ये फ़ोटो मैं लेता हूँ और इसको डायरेक्टली ये करता हूँ तो यहाँ पर आप टेक्स्ट में जाके आप यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, जैसे हाई, यहाँ पे कलर सिलेक्ट कर सकते हो जो कलर में आप चाहिए, उसको डन करो
फिर आप इसको जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आप रख सकते हो। जैसे मतलब आप कुछ भी लिख सकते हो, हाई इतनी चाहिए ऐसा कुछ भी लिख सकते हो, हैप्पी दिवाली या हैप्पी दशहरा या होली कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा करके आपको सेव करना है। तो ये हो गए स्टिकर्स। अभी आज नीचे जो ऐड टू व्हाट्सअप दिख रहा है उसको दबा के ऐड टू व्हाट्सअप करना है, और जैसे ऐड टू व्हाट्सअप हो जाएगा तो यहाँ पे मुझे दो व्हाट्सअप इसलिए दो शो कर रहा है, आपको एक ही होगा तो एक ही दिखाएगा, तो मैं एक सिलेक्ट करता हूँ और ऐड करता हूँ। देखिए ऐड हो गया है। चलो मैं आपको डायरेक्टली व्हाट्सअप पे दिखाता हूँ। ये आए हम लोग व्हाट्सअप पे, ये मेरा व्हाट्सअप है। तो यहाँ पे मैं अकाउंट ओपन कर लूँ। यहाँ पे जो आप दिख रहे हैं ये जो अपना रहता है इमोजी वाला, यहाँ पे जैसे हम लोग जाएंगे तो एक मिनट, यहाँ पे इमोजी आपकी रहती है सब, आपको मालूम है। इसके साइड में नीचे जी ऐप के बाजू में जो है वो स्टिकर वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैंने अभी ऐड किए थे ये सब स्टिकर्स है, ये हाई वाला। जैसे मैं उसको सिलेक्ट करूँ वो अपने आप सेंड हो जाएगा। देखिए जिसको भी आप सेंड करना है डायरेक्टली कर सकते हो। ये मेरा डबल व्हाट्सअप है, मैं मुझे भेज रहा हूँ इसलिए वो ऊपर शो कर रहा है आया करके। इस तरह से आप दूसरे को भेज सकते हो। तो दोस्तों ये ट्रिक्स अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।